एक्शन। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैं कहती हूं कि हमारे रायपुर में हमारे यहां का जो क्लाइमेट है थोड़ा अलग है, यहां गर्मी जल्दी पड़ने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी सब्जियां कि गर्मी में हम कौन कौन से वेजिटेबल उगा सकते हैं, और बताऊंगी ही नहीं मैं आपको उगा कर दिखाऊंगी। तो चलिए आइए हमारे साथ साथ बने रहिए और आप लोग भी हमारे साथ ढेर सारी वेजिटेबल उगाइए। एक बाल्टी इतना टूट गया फिर भी ये इस तरह से गुच्छे लगे हुए, इतना एक डाल से इतना टमाटर निकला है। देखिए किस टाइप के गुच्छों में फले हुए हैं, ऑर्गेनिक देसी टमाटर। रोहित बोल रहा था कि देसी टमाटर हैं, अच्छी क्वालिटी वाले। ये देखिए इनका, इनकी फ्रूटिंग तो देखिए कैसी हुई है। और थोड़े कच्चे भी हैं दोस्तों, लेकिन कंटेनर हमको खाली करना है। गर्मी, अभी मैं छत पे बैठी हूँ, गर्मी लगना शुरू हो गया है। कई लोग बोले आप गर्मी की सब्जियां शुरू कर दी, ठंड पड़ रही है। हमने कहा रायपुर का अलग ही क्लाइमेक्स रहता है, यहाँ का अलग ही ठंडी गर्मी का रहता है। ठंडी तो पड़ती नहीं है यहाँ, लोग बिना स्वेटर का बिता देते हैं यहाँ, तो यहाँ इसलिए जल्दी लगाना पड़ता है। ये पूरा एक बाल्टी टमाटर निकला है, देखिए एक बाल्टी टमाटर, ये पके पके लाल लाल टमाटर, खाइए और लाल लाल हो जाइए। आप भी उगाइए, आप भी खाइए और आप भी लाल लाल हो जाइए। दोस्तों हमने उगाई ब्रोकली और आप ये देखिए कि इसमें कितना हाई प्रोटीन होता है और ये ऑर्गेनिक, कितनी सुंदर है आप देखिए ब्रोकली, और कितनी बड़ी बड़ी, ऐसा तो हमको मार्केट में नहीं मिलती है इतनी खूबसूरत ब्रोकली, इतनी अच्छी। तो ये हमने टाइम से उगाया तब तो हमको मिली, तो इसी तरह से हम और टाइम से पौधे उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे, ताकि हमको और भी वेजिटेबल टाइम टाइम से मिलती रहे। दोस्तों राम राम, सुबह के बजे हैं शायद 7:30 और मैं आ गई हूँ छत पे। रोज मुझे भूल रहा है ये अडेनियम उगाने के लिए। बीज मेरे स्वस्थ हैं क्योंकि मैंने इसको डिब्बे में बंद करके नहीं रखा था, खुला रखा था हवा लगे, ताकि ये देखिए कहीं भी जरा भी फंगस नहीं लगा है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा फंगीसाइड लगाऊंगी बीजों में। आप चाहें तो बीजों को रात भर भिगा कर लगा सकते हैं, मतलब दो तरीके से लगा सकते हैं, तीन तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको अंकुरित करके लगा सकते हैं, आप चाहें तो भिगा के लगा सकते हैं, आप चाहें तो सूखा ही डाल सकते हैं इसमें, लेकिन थोड़ी सी फंगिसाइड जरूर मिलाइए। ये बहुत ही नाजुक होते हैं इसके सीड्स, तो कहीं फंगस ना लगे। ये हमने इसमें फंगिसाइड मिला दिया, हमने इसको आज गीला नहीं किया है, अक्सर मैं गीला कर लेती हूँ लेकिन नहीं किया है गीला। देखिए थोड़े से इसमें इसके पंख रह गए थे। अब ये तो हमारी मिट्टी पहले से बनी हुई है और इसमें उगा हुआ भी है। होता क्या है कि ये 100% इसका जर्मिनेशन नहीं होता है। एक सीड पॉट इसमें मैंने पूरा डाला था, लेकिन ज़्यादा नहीं उगा है, तो ये हमारा खाली है, तो हम इसी में इसको उगाएंगे। मिट्टी हमारी गीली है, हमको क्या क्या चाहिए इसमें सब मिला हुआ है। देखिए मोटी रेत और पतली रेत, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी खाद, ये सारा कुछ, सॉरी हाँ मैं थोड़ी हड़बड़ी में रहती हूँ। तो इस तरह से एक एक दाने आप बिछा दीजिए। अब देखिए आप सोचेंगे घना है, हाँ घना है, लेकिन 100% जर्मिनेशन नहीं होता है, तो घना है तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए जो उग गया ठीक है, नहीं उगा तो भी ठीक है, हमारे पास बहुत सारा है। और आपकी कटोरी में जो फंगिसाइड बचा है उसको भी ऐसे झाड़ दीजिए, ताकि मिट्टी में भी फंगिसाइड हो जाए। तो कायदे से अब हमको इसको मतलब सेट कर दीजिए, मतलब जो जहां ज्यादा गिर गया है थोड़ा इधर उधर कर दीजिए। देखिए हो गया। अब इसमें मिट्टी की एक बहुत ही पतली लेयर जिसमें कि ये ढक जाए, बहुत नीचे इसको नहीं दबाना है। बहुत नीचे दबाने से हमेशा ये जो है बाहर नहीं आ पाते हैं,
तो अब एक पतली लेयर में इसमें इसको ढकने तक के लिए, हाँ आप इसमें पानी का स्प्रे करें, उससे पानी मत डालें पाइप से। बाय द वे अगर आपके सीड दिखने लगते हैं तो थोड़े से फिर से ऐसे इससे ढक दीजिए, लेकिन बहुत मोटे लेयर से इसको नहीं ढकना है। ये हो गया, एक एक दाने को ढकिए, कोई दिखे ना, सबको ढकना पड़ेगा। जब ये ढकेगा इसमें मॉइस्चर बना रहेगा तभी ये जो है उगेगा। तो दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको एक प्लास्टिक से या बोरी से इसको कवर कर दीजिए, और जब इसमें अंकुरण हो तो इसको खोल दीजिए। अब चूंकि मेरे इसमें पहले से ही कुछ पौधे पड़े हुए हैं तो मैं इसको कवर नहीं करूंगी, कवर करूंगी तो मेरे दूसरे दाने जो है, ये दूसरे जो सीट मतलब जो उगे हुए हैं ये पौधे देखिए, तो ये प्रभावित होंगे। तो जरूरत नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, मिट्टी हमारी देखिए बहुत अच्छी गीली है, मॉइस्ट है, तो अभी हमें इसमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन इसको हल्का गीला जरूर रखें, आप स्प्रे करें पानी का, ना कि पानी बहाएं इसमें, मतलब कि पाइप से पानी ना डालें, नहीं तो आपके सीड इधर उधर हो जाएंगे। 2-4 दिन में आपको अंकुरण दिखेगा और इसके बाद फिर कुछ दिन बाद आपको ऐसे दिखेंगे, यानी 15-20 दिन या महीना भर बाद, और 1-1.5 महीने बाद आपको ये ऐसे दिखेंगे इस तरह से। तो दोस्तों अडेनियम बहुत खूबसूरत पौधा है, और अडेनियम में क्या है कि फूल इतने सुंदर सुंदर आते हैं, और पौधा सुंदर सीड पॉट से ही बनता है। जब आप सीड से लगाएंगे तभी आपके इस तरह से कोडेक्स बनेंगे, देखिए कितने सुंदर सुंदर कोडेक्स हैं। और अगर आप इसकी कटिंग से लगाते हैं तो लग जाएगा, हो सकता है सारे ना लगे लेकिन कुछ लग जाएंगे, लेकिन इनके ऐसे कोडेक्स नहीं बनते हैं। ये देखिए जैसे इनके कोडेक्स ऐसे है ना, ऐसे कोडेक्स नहीं बनते हैं। दोस्तों ये डोरमेंसी में थे, अब जो है ये जग रहे हैं, तो इनमें जो है ये इस तरह से इनकी प्रूनिंग की थी, तो अब ये इनमें आ रहे हैं, ये देखिए, और साथ में इनमें फूल भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी भी मैंने प्रूनिंग करी थी, देखिए इसमें फूल भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको ढेर सारे अडेनियम मिलेंगे। ये देखिए सारे के सारे हमने सीड से ही उगाए हैं, हाँ कुछ भी खरीदा हुआ नहीं है दोस्तों, सब सीड से उगाया हुआ है। एक अडेनियम मतलब कुछ अडेनियम जो है मेरे एक भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, उसी अडेनियम से ही मैंने ये इतने सारे अडेनियम तैयार किए हैं। ये देखिए इसको मैंने इसमें हांडी में लगाया है दोस्तों, कितना सुंदर दिख रहा है, बस कलर नहीं हुआ है। ये देखिए ये सारे अडेनियम मेरे सीड से तैयार किए हुए हैं, और दिखाती हूँ आपको, ऐसे कुछ ऊपर रखे हुए हैं, देखिए ये सारे सीड से उगाए हुए अडेनियम हैं हमारे। दोस्तों एक पौधा आप अगर लाते हैं ना तो कई ऐसे पौधे हैं जिनमें से आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। ये भी हमारे सीड से उगाए हुए पौधे हैं, तो ये थोड़े पहले के हैं, इनकी थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है दोस्तों, लेकिन फिर एक बार हो गए तो फिर बहुत अच्छे रहते हैं, बस इनका थोड़ा ख्याल रखा जाए, फंगस से इनको बचाया जाए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको देखिए सांप की तरह रूप ले रहा है, यहाँ से ऐसा घूमा है घूमा घूमा, फिर उधर से घूम के यूं जाके निकला है। तो दोस्तों इसी तरह से जेट प्लांट है, इसे एक 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 इतने से छोटे से आप ना उगा सकते हैं और ये आसानी से उग जाएगा। जैसे स्पाइडर ये प्लांट है, ये स्नेक प्लांट है, छोटा स्नेक प्लांट है, ये बहुत सारे पौधे जो हैं एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। दोस्तों अब मैं उगाऊंगी अपराजिता। अपराजिता मेरे पास सिर्फ ब्लू कलर था, अभी मिला है मुझे व्हाइट, तो ये व्हाइट के फलियां हैं, इस तरह से फलियां होती हैं, तो मैं इसको तोड़कर इसके दानों को निकाल कर आपको बताती हूँ, ये नीचे करती हूँ देखिए। और दोस्तों ये ब्लू है, तो ये हो गया व्हाइट, ये देखिए, और ये हो गया ब्लू, तो इनके दानों को मुझे निकालना पड़ेगा,
रुकिए, मैं एक हाथ से नहीं होता है तो मैं हाथ खाली कर लूँ मोबाइल को रख के, फिर मैं बताती हूँ। तो दोस्तों ये वाला वाइट है और ये वाला ब्लू है। ब्लू वाला जो है उसके दाने मुझे डार्क ब्लैक लग रहे हैं और इसके ध्यान से देखिए मुझे ब्राउन लग रहे हैं। अच्छा, जो वाइट वाला है इसके दाने थोड़े बड़े भी हैं। तो दोस्तों अपराजिता हमारे घर के लिए बहुत शुभ पौधा होता है, वास्तु दोष को दूर करता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमें उन्हें उगाना चाहिए, तो ज़रूर उगाएं। तो दोस्तों मैं ब्लू और वाइट एक साथ उगाऊंगी, एक साथ खिलेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये दानों को मैं इसमें ऐसे डाल दूंगी जैसा कि मैं बोलती हूँ, 100% जर्मिनेशन किसी चीज़ का नहीं होता है, इसलिए दाने थोड़े ज़्यादा उगाएं। अगर आपको लगता है कि दाने ज़्यादा उग गए हैं तो आप उनको दूसरी जगह रोप दें, यूं कहें कि आपकी पौध तैयार हो रही है। पौध तैयार होने के बाद इनको आप कहीं भी रोप सकते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। इनको आप अगर चाय में डालकर या पानी में, जैसे भी इन पौधों को अगर इस्तेमाल करते हैं फूल को, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो इनको ज़रूर लगाएं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, भगवान को चढ़ते हैं और हमारे गार्डन में अपराजिता होना ही चाहिए। जैसा कि इसका नाम है अपराजिता, मतलब किसी से पराजित ना होने वाली। एक सीड गिर गया इधर, तो इसको ज़रूर उगाएं, बहुत अच्छा पौधा होता है। इसके जो फूल होते हैं ना, उनको आप देखिएगा मार्केट में या किसी भी साइड में आप देखिएगा कितने महंगे बिकते हैं। सूखे हुए फूलों को बेचा जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, बहुत सारी दवाइयों में काम आते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं और ये पौधा हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है। तो ज़रूर लगाएं और इसका लाभ लें, सुंदर तो दिखता ही है। इन दानों को मैंने ढक दिया है, मिट्टी हमारी गीली है। दोस्तों कल हमने शाम को ढेर सारे काम किए, हमने ढेर सारे गमले लिए हैं। ये टाइम रिपोर्टिंग का है, बहुत अच्छा समय है रिपोर्टिंग का। इसको हमने रिपोर्ट किया, इसको रिपोर्ट किया, ये देखिए जैसे कोई इंसान बैठा हो पीछे से, ये देखिए। तो इसको हमने रिपोर्ट किया, इसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए हमने पीछे एक थर्माकोल का टुकड़ा लगा दिया। आप भी थर्माकोल का कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रेनेज के लिए। इनमें सब में थर्माकोल के टुकड़े डले हुए हैं, इससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए हमारा ये पीपल का बॉन्जाय है जो तैयार होने की स्थिति में है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है बट है बहुत सुंदर। और ये ढेर सारे हमने बोगनवेलिया रिपोर्ट किए और ये गुलाब को भी हमने रिपोर्ट किया। इसका भी सही टाइम है रिपोर्ट करने का, अगर हम रिपोर्ट कर देंगे तो कुछ दिन में इनमें ढेर सारे फूल आएंगे क्योंकि इनको अच्छी मिट्टी मिल जाएगी और अच्छी जगह मिल जाएगी, न्यू मिट्टी मिल जाएगी। और इनमें जैसा कि मैं हर मिट्टी तैयार करती हूँ तो इनके लिए जो होता है थोड़ी अलग मिट्टी तैयार की जाती है, इसमें थोड़े मैं सैंड यानी बालू भी मिलाती हूँ और बाकी मिट्टियों में मैं बालू नहीं मिलाती हूँ, बाकी चीज़ें जो मैं करती हूँ उनमें बालू नहीं मिलाती हूँ। तो ये ढेर सारे पौधे दोस्तों कुछ इधर भी रखे हुए हैं, देखिए ढेर सारा मैंने रिपोर्ट किया और कुछ गमलों को मैंने भर भर के रखा, जब मेरी मर्जी हो तो मैं तुरंत लगा लूँ। अब जैसे वो भरा हुआ था मैंने उसमें तुरंत अपराजिता लगा दिया, और नहीं तो फिर मिट्टी बनाओ ये करो वो करो, तो मैं ज़्यादातर गमलों को तैयार रखती हूँ। दोस्तों ये मेरा पिछले साल का अपराजिता है, डोरमेंसी में एकदम से सूख गया था जैसे मरीच गया हो, लेकिन अब इनमें थोड़े थोड़े देखिए फूल आने लगे हैं और आप इन फूलों का तो आनंद लें ही और नए भी उगाएं। तो इनमें भी इसमें भी मैंने कुछ सीड अपराजिता के डाले थे, उग जाएंगे तो, लेकिन ब्लू डाले थे, वाइट मुझे अभी मिला है। और इनके जो ऐसे सूखे वाले हैं ना, इनको आप ले लीजिए, आप या तो इनको चाय में डाल दीजिए या तो पानी में डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उस पानी को आप चाहे तो नींबू डाल के, शहद डाल के, जैसे भी चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसके फूल, और मैं हमेशा जब भी ये खिलते हैं ना, इन फूलों को मैं जाया नहीं जाने देती। ये देखिए ये सूखे हुए फूल,
तो इनको इस्तेमाल करने, कितना सुंदर लग रहा। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, वाइट वाला ना इससे बड़ा है, मतलब इसका ट्रिपल साइज का है वाइट वाला। तो मैंने उसको कहीं देखा था, फिर मैंने सीड मांगी थी तो उस टाइम पे उसकी फलियां कच्ची थी, फिर अभी अभी मुझे मिला है तो मैंने उसको उगाया। इनको सबको मैंने प्रून कर दिया था दोस्तों, अभी इनमें बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है, ये देखिए एक प्लास्टिक गमलों की बहुत दिक्कत रहती है दोस्तों, तो जो जहाँ मिलता है उसी में मैं सबको डालते जाती हूँ, बस इनको जगह मिल जानी चाहिए। और ये गमलों का थोड़ा सा मिक्स मिट्टी मैंने रख भी लिया है, फिर कभी कभी तुरंत उगाना पड़ता है तो मेरे पास रहे। ये मेरी मीठी नीम की पत्ती है और मैं आपको दिखा रही कि हमने जो पहले उगाया था ना, ये सूरजमुखी है दोस्तों, इसको भी उगाया है हमने। तो शुरू में जब हम उगाए थे ना तो देखे आप मुरझाया हुआ था, लेकिन अब अच्छा हरा भरा हो गया है। ये भी बोगनवेलिया है, कलर कौन सा है नहीं पता, इसको जब मैंने रिपोर्ट किया तो ये इसको शौक लग गया था, लेकिन अब ये नई पत्तियाँ निकल रही हैं। इधर हमने खीरा ककड़ी और ये बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं जो धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, आपको दिखेंगे। दोस्तों दानों के अंकुरण में थोड़ा टाइम लगता है, इधर भी हमारा ये देखिए सूरजमुखी खिलने को हो रहा है। ये सब तुरई वगैरह, तुरई खीरा, ये सारी चीज़ें जो उगी हुई हैं लगाया है मैंने, वो अब धीरे धीरे उग रही हैं। तो जैसे ही फैलना शुरू करेंगे ये वाले को हम निकाल देंगे। अब चूंकि अभी ये फ्रूटिंग कर रहा है इसलिए हमने इसको नहीं निकाला है, जैसे ही मतलब ये नए उगेंगे हम इनको निकाल देंगे। सेम वगैरह भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रही दोस्तों, इसलिए निकालने का मन नहीं करता है। अब ये देखिए हमने इसमें सूरजमुखी लगाया था, ये देखिए सूरजमुखी उगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों चीज़ों में आने में, ये 4-5 दिन हो गया मेरे को सूरजमुखी उगाए, तो अब निकल रहा है। ये मिर्ची हमारी पक गई है, तोड़ना है क्या, पकड़ी हूँ हाथ में, अच्छा ये पकड़ी हूँ, ये अपराजिता के सूखे फूल। टमाटर तोड़ने लायक है, मिर्ची तोड़ने लायक है, सब फल रही हैं। इधर बैंगन तो ऐसे फल फल के लटक गए बेचारे, पेड़ कमज़ोर हो गए, बैंगन इतना फला। भिंडी बहुत अच्छी आ रही है, लाल भिंडी बस दोस्तों पता नहीं क्यों धोखा दे रही है, नहीं आ रही है। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, अब मेरे को फिर से जाना पड़ेगा सीड लेने के लिए, क्योंकि लाल भिंडी हमको चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं दूसरी शॉप से लूँगी, क्योंकि उसकी शॉप का कोई सीड नहीं उगा है, जो इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। और मैं देसी सीड बना कर रखती हूँ कि घर में, अब ये लाल भाजी ना सब हमारे घर की है जो इस तरह से उगी हुई है। लाल भाजी को मैं पकने छोड़ देती हूँ, पक जाता है। अब जैसे इसकी मिर्ची के ये सारे कुछ मैं अपने घर में, मार्केट से लाओ ना उतने अच्छे उगते नहीं है दोस्तों। देखिए हमारे घर की ये सारी मिर्ची के सीड्स हैं, आपने देखा होगा हमने इसको उगाया, एक एक दाने उग गए हैं। इस बार मैं मार्केट से जो भी लाई कुछ भी नहीं उगा दोस्तों। इस तरह से मैं लाल भाजी के सीड तैयार करती हूँ, जैसे जो हम नहीं खा पाते, ऐसा कोई मैं मेरा उद्देश्य नहीं रहता कि करूं, लेकिन जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम नहीं खा पाते, तो उसको फिर हम ऐसे छोड़ देते हैं, फिर हम उसको फेंकते भी नहीं हैं। और इस तरह से उसको सुखा कर इसके दानों को निकाल लेते हैं। ये सीड हैं दोस्तों, देखिए काले काले जो दिख रहे हैं ना, ये सीड्स हैं। तो इस तरह से आप अभी थोड़ा सा इसको और मैच्योर होने दूंगी, इसके बाद इसको काट कर सुखा लूंगी और सुखा कर इसको मैं इन दानों को रख लूंगी। ज़रूरी नहीं कि बहुत फाइन दाना आपको मिले, हो सकता है इसके साथ ये भूसे भी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मिट्टी में उसको डालेंगे तो भूसे सड़ जाएंगे मिट्टी में और दाने आपके उग जाएंगे। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर के सीड से तैयार कर सकते हैं। देखिए पुदीना है उधर, पुदीने से आप पुदीना उसके उखाड़ उखाड़ के या काट काट के, कटिंग से भी लगता है, जड़ से भी लगता है, उसको लगा दीजिए। मैं दिखा रही दोस्तों, गर्मी में पुदीना जरूर लगाएं, और ये हर हाल में हो जाता है। जैसे भी अगर आप इसका छोटा सा इतना बड़ा टुकड़ा भी गाड़ देंगे ना, 4-6 टुकड़े गाड़ दीजिए, ये उग जाएगा। ये देखिए अब लाल भाजी कैसा है कि मेरे पूरे मिट्टी में गिर जाती है लाल भाजी पक के। तो ये देखिए लाल भाजी है साइड में, तो कई बार इनको मैं नहीं उखाड़ती, पड़े रहने देती हूँ, और बाद में थोड़े बड़े होने पर इनको मैं उखाड़ के जड़ से ले लेती हूँ और इनकी बना लेती हूँ सब्जियाँ। ये है दोस्तों लहसुन, लहसुन इस टाइम मार्केट में मैंने सुना है बहुत महंगी है। जो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएं उनको अवॉइड कर दीजिए। हम तो वैसे भी मार्केट जाते ही नहीं दोस्तों सब्जियां खरीदने, आप जाते हैं तो उस टाइम पे जो चीज़ें महंगी हों उसको कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए। लहसुन के बगैर कोई चीज़ रुकना नहीं है। हम तो ये पत्ती रखे हैं तो हमारी चटनी वगैरह हर चीज़ इसी से बन जाता है। ये हमारा ब्रोकली है, ब्रोकली हमने बहुत खाया,
लेकिन हम कुछ पौधे ज्यादा लाए थे तो फिर हमारे कंटेनर में नहीं आए, तो इस तरह से हमने देखिए छोटे छोटे गमलों में लगा दिया और कितनी सुंदर हो रही है। तो बस मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये अजवाइन का पौधा है दोस्तों, ये देखिए इसको भी हमने नई जगह पे लगाया है। वो लेटुस है, लेटुस के साइड में हमने टमाटर भी डाल दिया है। ताजे लहसुन की खुशबू इतनी ज़ोरदार आ रही है हाथों में हमारे। अब हम तोड़ लेते हैं थोड़ी सी धनिया भी, क्योंकि आए हैं तो ले के जाते हैं। तो धनिया ऐसा है दोस्तों कि आप जितना तोड़ेंगे उतने ही ये निकलते जाएगा और अच्छा निकलेगा, नहीं तोड़ेंगे तब वो खराब होगा। धनिया हमने बहुत लगा दिया था इस साल, तो अभी भी हमारी धनिया ढेर सारी चल रही हैं। एक दो जगह हमने गर्मी की तैयारी के लिए धनिया उगाया है। दोस्तों इस टाइम पे आप बहुत अच्छा टाइम है, गर्मी की सब्जियां जितनी जो आपकी मन हो जो लगाना चाहें, या हमारे वीडियो को देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप उगाना शुरू कर दीजिए। मास्टर भाजी तो ऐसे लहलहा रही है कि गुलदस्ता बनी हुई है दोस्तों। और ये जो है ना, ये अरबी के पत्ते, इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई तो इसलिए थोड़े छोटे पत्ते हैं, इनको भी रिपोर्ट करना चाहिए। पालक को कल मैं काट के गाय को खिला दी हूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े हो गए थे। और इसमें से भी हमें भाजियाँ लेनी है। ये हमारा टमाटर उगा हुआ है, ये देखिए, तो इसमें कुछ कुछ भाजियाँ उग गई हैं। तो भाजी मैं फेंकूंगी नहीं क्योंकि गर्मी में, हमारे यहाँ गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, ठंड नहीं है, तो ये बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्टी लगती हैं। बैगन ऐसे आप देखेंगे ना, ऐसे गुच्छों में फले हुए हैं, आप देखिए, ये देखिए। तो इनको भी तोड़ना है, तोड़ूंगी। अब हमारे पास इतना हो जाता है खाने का, हमारे गार्डन का ही। अब आज हम मैं बना रही हूँ जिमीकंद। जिमीकंद बहुत पसंद है हमारे घर में। ये लाल भाजी है दोस्तों, ये देखिए। तो इतना हो जाता है ना कि हम अपने गार्डन का नहीं खा पाते हैं, तो हम मार्केट क्या करने जाएंगे दोस्तों। इसमें भी लाल भाजी थोड़ी थोड़ी हुई है। ये मूली है दोस्तों, देखिए, और थोड़ी लाल भाजी भी हुई है। लाल भाजी का ऐसा है कि मैं सीड बनाती हूँ, या जो पौधे रहते हैं, पकते हैं, झड़ते हैं, तो सारे में ऐसे देखिए गिर जाते हैं। सब में आप कंटेनर में लाल भाजी पाएंगे। हालांकि लाल भाजी हमने कुछ उगाया भी है, लेकिन कुछ हो भी गए हैं। तो ये हो गए हैं तो मैं इनको नहीं हटा रही हूँ। ये जैसे ही थोड़े खाने लायक होंगे तो इनको मैं उखाड़ लूँगी। मुनगा देखिए कैसे फला हुआ है हमारा, ऐसे झुमट के गुच्छों में फला हुआ है। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है दोस्तों सब्जी खरीदने की। और आपको एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, आप इतना खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह, ये देखिए, अब वाह बोल ही दीजिए। तो ये है हमारा बोगनवेलिया, कितना सुंदर बॉन्जाई है बोगनवेलिया का। दोस्तों ये झाड़ी वाला पौधा है, लेकिन अगर आप इसको सेप दें तो ये बहुत अच्छा सेप रहता है इसका। इसकी कटिंग करते रहें, इसको छोटा रखें तो ये इस तरह से आपको खूबसूरत फूल देगा और पूरे साल हरा भरा रहेगा। और मतलब ये लगभग पूरे साल फूल देता है। इसको धूप अच्छी चाहिए, 8 घंटे 6 घंटे की आप इसको धूप दीजिए, ऐसी जगह पे रखिए, तो ये इसी तरह से खिलता रहेगा। ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो लगभग चीज़ जो आप अपने गार्डन में उगाएंगे उनके सीड आप अपने खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारे बैंगन अभी इधर वाले पीले हो रहे हैं, पकने को हो रहा है, इनके दाने आप रख देंगे, आप इनके दाने से पौधे उगा सकते हैं। कोई भी, जैसे ये बैंगन है, जो भी आपको पसंद हो उससे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। बाजार जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपके पास ना हो उनके लिए बाजार जाइए। थोड़ी सी पौधों की केयर और थोड़ा सा इनके लिए स्नेह, आपको भर भर की चीज़ें ये देंगे। ये हमारा, ये भी बोगनवेलिया है, और ये वाला भी नहीं खिला है, ये मैं बता रही ऑरेंज है, और ये सेडेड कलर का है। पहले ऑरेंज निकलता है, फिर कितना प्यारा पिंक हो जाता है, कितना सुंदर कलर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने धनिया थोड़ी ज़्यादा उगा दी, तो धनिया हमारे यहाँ ज़्यादा हो गई है, पर कोई बात नहीं, खाते रहते हैं। अब इनमें भी फूल, ये पहली बार हमारे गार्डन में ये वाला फूल देखेंगे दोस्तों। जब से पौधा हमने लगाया था, कलम से ही लगाया था, तब से इसमें आपने फूल नहीं देखा था। अब ये खिलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। टमाटर ज़रूर लगाएं दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे टमाटर के रेट बढ़ते जाएंगे। और फिर ऑर्गेनिक का कहना क्या, आपके घर का अगर तोड़ तोड़ के खाते हैं तो फिर क्या कहना। इसलिए टमाटर हमने हर जगह घुसा दिया है। देखिए अभी हमारे पक रहे हैं फूल, अभी मैंने 20 केजी तोड़ा वो रखे हैं फ्रिज में, और पक फिर से यहाँ पकना शुरू हो गए और फिर से फूल भी आना शुरू हो गए। धनिया जैसा हमने कहा, धनिया हमारी जा रही हो, देखिए
चढ़ गई, सीढ़ी बना के चढ़ जाएं धनिया में। लोग चने के झाड़ में चढ़ते हैं, हम धनिया के झाड़ में चढ़ जाते हैं। देखिए थोड़ी बहुत प्याज भी लगाइए, इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। कभी तुरंत ज़रूरत हो भजिया पकौड़ा बनाना, फ्राइड राइस तुरंत तोड़िए और तुरंत काम करिए। ब्रोकली हमारी हमने बहुत खाया, लेकिन अभी भी ब्रोकली हमारी बची हुई है। और जो हमने एक टोकनी उखाड़ा था वो भी बची हुई है फ्रिज में, उसको खाते भी हैं लेकिन तब भी। ये देखिए भिंडी, हमें ये लाल भिंडी धोखा दे रही है, इसमें लाल भिंडी के बजाय मुझे लाल भाजियाँ नज़र आ रही हैं। अब टमाटर देखिए हमारे ऐसे गुच्छों में फले हुए हैं। देखिए एक पेड़ भी अगर ये अपने से हुआ, जब आप गार्डन बनाते हैं ना दोस्तों तो कई दाने फिर अपने आप उगना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको अगर साइड में है तो छोड़ देती हूँ। देखिए अब वो फला हुआ है, इसमें भी लाल भाजी ढेर सारी हुई है। ये हमारी करमता है, इसको काटूंगी किसी दिन। यहाँ भी टमाटर एक साइड में आ गया तो इसको मैंने नहीं हटाया। ये हमारा फूल खिल रहा है, देखिए अभी खिला नहीं है, खिल रहा है। इधर भी हमने प्याज उगाया हुआ है, और ये हमारी चौलाई भाजी है जिसको हम, मुझे बहुत पसंद है चौलाई भाजी। ये मेरी धनिया गिर गई दोस्तों, हाथ में लिए घूम रही हूँ, तो ये चौलाई भाजी मुझे बहुत पसंद है। और इसका ये है इसमें गुण कि आप जितना तोड़ेंगे उतना ही सुंदर और हरा भरा ये निकलेगा। ये खट्टा भाजी है, पानी के उससे इधर उधर ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ पौधे बचे हैं मैं इनमें फिर से डाल दूंगी। उधर मैंने टमाटर भी डाल दिया है। और ये खेड़ा भाजी है दोस्तों, वाइट आप देखेंगे ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और लाल भाजी इसको मैंने उगाया है, कई जगह तो बिना उगाए ही ढेर लगी है पर इसको मैंने उगाया है दोस्तों। ये बीन्स हैं जो छोटे छोटे ही मतलब फलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, गुच्छों में फलते हैं, इसी में हमने थोड़े से डाल दिए हैं टमाटर। और ये हमारी कद्दू देखिए कितना छोटा सा लगाया था, कितना बड़ा हो गया अभी, अभी से कितना सुंदर दिखने लगा। और कुछ सेम, और ये बीन्स वगैरह देखिए इधर बीन्स लगी हुई हैं, ये भी कद्दू है। तो इस तरह से, और सेम तो हमारी फली रही हैं। अब मैं कल सब्जियां तोड़ूंगी दोस्तों, अभी जो है ना वो ढेर सारी रखी हुई हैं। ये बैंगन वगैरह भी देखिए ना कैसे लटके हुए हैं, लेकिन अभी ये बैंगन तोड़ी थी तो ये कल बना था तो इसलिए नहीं खा पाते हैं, लेकिन तोड़ लेना चाहिए तब भी। ये नीचे की छत है दोस्तों, तो इसमें धनिया हमने इसमें भी उगाया था, तो इसमें फल आने लगे, तो इनके फल भी बड़े अच्छे लगते हैं दोस्तों। अगर हरे हरे फल आप पीस कर सब्जियों में डालते हैं ना तो उनका टेस्ट ही अलग हो जाता है। और ये हमारे पालक हैं, फिर से हमने उगा लिया पालक। देखिए थोड़ी सी उसमें मेथी भी आपको दिखेगी, लेकिन एक्चुअली है ये पालक, और ये पालक है जो अब बढ़ गया है, तो इसको अगर काट दूं तो फिर से अच्छा निकलने लगे, तो इसको काट के आज मैं गाय को दे दूंगी। और ये हमारी प्याज भाजी है, और साथ में इसमें बथुआ और ढेर सारी भाजियां हो जाती हैं दोस्तों। देखिए और ये धनिया हमने फिर से उगा लिया, अभी ढेर सारी है और हमने फिर से धनिया उगा लिया, बहुत अच्छी उगी है। और इसमें भिंडी है हरी वाली, और ये टमाटर। इस तरह से हमने ढेर सारी सब्जियां उगाई हैं, इनको आप देख के आइडिया ले सकते हैं कि आप गर्मी में क्या क्या सब्जियां उगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं, उनका रिप्लाई भी मैं करती हूँ, और आप सीखना भी चाहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई सीखना चाहता है। अगर स्वस्थ रहना चाहता है ऑर्गेनिक खाके तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और जब आप तक वीडियो पहुँचेंगी तभी तो जानकारी पहुँचेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।